स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है पैकर्स मूवर्स ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि पैकर्स मूवर्स का काम जो है, बिजनेस जो है किस तरह से होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैकर्स मूवर्स के बिजनेस के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसमें ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट हो जाता है और किस तरह के ट्रकों का इसमें रिक्वायरमेंट होता है, आपको क्लाइंट इसके लिए कहां कहां से मिलेंगे, मतलब कि कस्टमर आपको कहां कहां से मिलेंगे, ये सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो पैकर्स मूवर्स है इंडिया में, एक्चुअल में जो नामी ग्रामी पैकर्स मूवर्स है, उसमें अग्रवाल पैकर्स मूवर्स का बहुत बड़ा नाम है। जिस टाइम पे अग्रवाल पैकर्स मूवर्स इंडिया में स्थापित हुआ था, उस टाइम पे इंडिया में पैकर्स मूवर्स का उतना रिक्वायरमेंट नहीं था और ना ही कस्टमाइजेशन होता था पैकर्स मूवर्स के बिजनेस में। बट समय के साथ पैकर्स मूवर्स में बहुत सारे कस्टमाइजेशन होने लगे। अगर आप अग्रवाल पैकर्स मूवर्स को देखो तो आपके घर में जितना सामान होता है उसके लिए आपको एक अलग कंटेनर वहां से प्रोवाइड कर दिया जाता है। चाहे आपके घर का सामान 10 फुट के गाड़ी में आ जाए, 4 फुट के गाड़ी में आ जाए, 20 फुट के गाड़ी में आ जाए, 32 फुट के गाड़ी में आ जाए, जितना चाहिए जगह उतना के लिए आपको वहां से कंटेनर, बंद कंटेनर प्रोवाइड करवा दिया जाता है और वही बंद कंटेनर ट्रेलर के ऊपर लोड करके भिजवा दिया जाता है। तो ये एक्चुअल में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस करने का तरीका है। बट इंडिया में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स जो है वो अपने आप में एक अलग बिजनेस हो चुका है। आज के टाइम में उनका एक अलग लेवल का बिजनेस हो चुका है। बट बाकी जितनी भी कंपनी है जो आज के डेट में पैकर्स एंड मूवर्स का काम कर रही है, उनका काम करने का तरीका वही पुराने जैसा है जैसे कि बाकी के ट्रांसपोर्टर करते हैं, जैसे बाकी के जितने भी पैकर्स एंड मूवर्स वाले करते हैं। तो मैं आज वही तरीका आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं बात करूँ तो पैकर्स एंड मूवर्स में मेरा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने कुछ कंपनियों में काम किया था जहां पे कि पैकर्स एंड मूवर्स का एक अलग डिपार्टमेंट था। वो कंपनी पैकर्स एंड मूवर्स में भी काम करती थी, तो वहां पे मैंने लोगों को देखा है कि किस तरह से वहां पे पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस होता है, किस तरह से लोग वहां पे पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उसको एक जगह से दूसरे का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस पर ट्रक पे निकाला जाता है। तो आज मैं वही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैकर्स एंड मूवर्स जो है काम क्या करता है। तो पैकर्स एंड मूवर्स का काम होता है दोस्तों किसी भी घर के सामान को, जिसको कि हाउस होल्ड बोला जाता है, वो सामान को पैकेजिंग करके, सही तरीके से पैकेजिंग करके उसको ट्रक पे लोड करके एक जगह से दूसरे जगह प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करवाना। तो ये एक्चुअल में पैकर्स एंड मूवर्स का काम होता है। अब बात करते हैं कि आप ये कीजिएगा कैसे। तो आपको अगर पैकर्स एंड मूवर्स का काम करना है तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी लाइसेंस का जरूरत होता है, सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, उतना तो जरूरत आपको इसमें भी पड़ने वाला है। बट इसमें जो एक अलग से आपको क्या करना होता है, सामान के हिसाब से आपको कार्टून का व्यवस्था करना पड़ता है, टेप का व्यवस्था करना पड़ता है, इसके अलावे अलग अलग बोर्ड का व्यवस्था करना पड़ता है। जैसे जैसे बॉक्स में, जिस तरह के बक्से में, जिस तरह के कार्टून में जो सामान सही से पैक हो सके, उसको सही से टेप किया जा सके, तो वो सारे सामान का जरूरत यहाँ पे पड़ता है और ये सारे सामान का आपको कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ता है। दोस्तों जब भी पैकर्स एंड मूवर्स का काम होता है, कहीं भी अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि उनके घर में जितने भी सामान है उसका आपको एक लिस्ट बनाना होगा। अगर आप खुद से उनका सामान को पैक करके कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हो तो ठीक है, वरना जो एग्जिस्टिंग मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जो कि पैकर्स एंड मूवर्स का काम करते हैं, वो पैकेजिंग करते हैं, मटेरियल को पैकेजिंग करके उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको उस सारे सामान का, जो भी सामान होगा उस घर के अंदर, उसका एक्चुअल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बता देंगे। तो वहां से भी आप कांटेक्ट करके थर्ड पार्टी के थ्रू आप उस सामान को पैक करके कहीं ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं जहां भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहां पे जो आपके प्रॉफिट के जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। प्रॉफिट का कितना कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावे दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप खुद से पैकेजिंग नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनियां बैठी हुई है जो कि घर के हाउस होल्ड के सामान को पैक करती है
और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो वही सामान को उठाइए और ट्रांसपोर्ट कीजिए। तो वहां से आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक थर्ड पार्टी जो पैकेजिंग का काम करती है, जो सामान को पैक करती है, उनसे कॉन्टेक्ट करना होता है। वो जाकर उस घर के सारे सामान को पैक करते हैं और पैक करके जब वो सामान पैक हो जाता है तो आप अपने ट्रक के ऊपर उसको लोड करके जहां भी वो सामान को लेकर के जाना होता है वहां लेकर के जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको पैकर्स एंड मूवर्स के लिए कस्टमर कहां से मिलेगा। तो दोस्तों ज्यादा करके जो है लोग जो बिजनेस करते हैं आज के डेट में उनका बहुत सारे कंपनियों के साथ टाइप होता है, जैसे जेनपैक्ट हो गया, SCL हो गया, इंफोसिस हो गया, ऐसे जो कंपनियां हैं यहां से जब लोगों का ट्रांसफर होता है, यहां से इंप्लॉय का ट्रांसफर होता है तो उसके लिए उनका एक पैकर्स एंड मूवर्स की कंपनियों के साथ कॉन्टेक्ट होता है, वहीं से उनके सामान को ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। ये एक तरीका है, आपको ये सारे कंपनियों में जाकर के विजिट करना होता है, वहां से लोगों से कॉन्टेक्ट बनाना होता है, जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होता है, उन लोगों से कॉन्टेक्ट बनाना होता है, वहां से आपको इसका बिजनेस मिल सकता है। दूसरा तरीका है कि जितने भी सोसाइटी होते हैं इंडिया के अंदर जो रियल एस्टेट से रिलेटेड सोसाइटी होते हैं, वहां पे जाकर के आपको जो वहां पे गार्ड बैठे होते हैं या फिर वहां पे रियल एस्टेट एजेंट्स जो बैठे हुए हैं उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना होगा, वहां से भी आपको बिजनेस मिलेगा। कैसे मिलेगा, जो भी बंदा वहां पे फ्लैट खरीदता है या कोई फ्लोर खरीदता है, कोई जमीन खरीदता है, कोई घर बनाना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं से सामान लेकर के वहां पे शिफ्ट जरूर होता है। तो इस कंडीशन में आपको वहां से पता चल जाता है कि कौन कौन बंदा कहां से आता है और यहां पे सामान अपना शिफ्ट करवाना चाहता है, तो वहां से आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। बात कीजिए उन लोगों से जिनको उसको वहां पे घर शिफ्ट करना है, जब बात हो जाएगा आपका फाइनल हो जाएगा तो जो रियल एस्टेट एजेंट्स के पास से आपको कॉन्टेक्ट मिला है उनका, उनके साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। तो आप उनको 1,000 रुपए दे सकते हैं, 2,000 रुपए दे सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपको वहां से कॉन्टेक्ट ज्यादा मिलना स्टार्ट होगा और जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट आपको मिलेगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों प्रॉफिट का, कि इसमें आपको प्रॉफिट कितना होता है। तो पैकर्स एंड मूवर्स का जो बिजनेस है इसमें ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। एक पैकर्स एंड मूवर्स को एक ट्रक को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाने में, उस मटेरियल को डिलीवर करने में तकरीबन 45 से लेकर के 75% तक का प्रॉफिट होता है। डिपेंड करता है आपका कि अगर आप खुद से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तब मैं बता रहा हूं, डिपेंड करता है कि आपका जो पैकेजिंग कॉस्ट है आप कितने कम रेट पे उस सामान को पैक करके ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। यहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा बचने वाला नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में वही आपका 10 से 15-20% बच सकता है। जो सबसे ज्यादा यहां पे कमाई होता है वो कमाई होता है आपका पैकेजिंग में, जो आपका पैकेजिंग का कॉस्ट जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको जो पैकेजिंग कॉस्ट है, सामान पैक करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है। तो अगर आप खुद से काम करना चाहते हैं, खुद से आपको अगर पैकेजिंग का काम करना है तो यहाँ पर आपको 3-4 बंदे हायर करने पड़ेंगे जो कि पैकेजिंग में एक्सपर्ट हो, वो घर के सामान को पैक कर सके। जैसे किसी का कूलर हो गया, किसी का बेड हो गया, किसी का गोदरेज हो गया, अलमीरा हो गया, चेयर हो गया, टीवी हो गया, क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से भी अगर उसमें चोट लगता है तो टूट सकता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पैक करना होता है ताकि वो सामान टूटे नहीं और आपके कस्टमर के साथ रिलेशन बना रहे। क्योंकि अगर आप ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप किसी का सामान एक बार सही से ट्रांसपोर्ट कर देते हो तो बहुत सारे लोगों को रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ इनके साथ अपना पैकर्स एंड मूवर्स का जो भी सामान है आप कहीं भिजवाइए, सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा, टाइमली पहुंचेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कॉस्ट का। तो अगर आप खुद से बंदा रख करके करते हैं तो तकरीबन आपका जो कॉस्ट आने वाला है महीने का 5 से 7 लाख रुपए तक का आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कार्टून खरीदने होते हैं, टेप खरीदने होते हैं, वुडन जो लकड़ियां जो होती है वो खरीदने होते हैं, और भी बहुत सारे सामान होता है जो आपको यहाँ पे खरीदना होता है। बट वहीं पे अगर आप इन चीजों को, खास करके पैकेजिंग का जो डिपार्टमेंट है, इसको आप आउटसोर्स कर देते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो कम जाता है और लगभग आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है वही होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने वीडियो में मैं बहुत सारे बार
ये चीजें बता रखा हूं। तो दोस्तों ये था पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इससे लेकर के आऊंगा तो हमारे कुछ फ्रेंड है जो कि पैकर्स एंड मूवर्स का काम करते हैं, उनके साथ में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से वो अपना बिजनेस करते हैं, उनके हब को मैं दिखाऊंगा, जहां पे पैकेजिंग होता है वो मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।